हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCLTech इन सभी स्टॉक से बेहतरीन आपको रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। और इसके को फाउंडर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो अशोक सूता जी से कंपनी का रिलेशन है। आप बात कर रहे होंगे हैप्पीएस्ट माइंड सोच रहे होंगे, बट हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी नहीं है, ये दूसरी कंपनी है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी आप कोई भी वीडियो हम यहाँ पर डालें तो फौरन तौर पर आपको वीडियो मिले और फौरन तौर पर आप वीडियो को देखें। तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। तो बहुत स्टॉक चुने जाते हैं और बहुत ही ऐसे स्टॉक्स चुने जाते हैं जो आपको कभी लॉस ना दे, हमेशा प्रॉफिट दे। तो इसलिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है। हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करिए, बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा, बिलीव मी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसके नाम की बात बता देता हूँ, उसका नाम है माइंडट्री। ओके, माइंडट्री नाम सुन के भाग मत जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इस शेयर की, तो इस शेयर में बहुत कुछ छुपा हुआ है और लगभग 10,000 रुपए के टारगेट मैं इसमें देखता हूँ बहुत जल्दी। क्यों देखता हूँ, उसके पीछे का रीजन है। 52 वीक हाई की बात करें, 5,000 रुपए का ये शेयर चलता था 18 नवंबर को, उसके बाद से नीचे गिर के एक कंसोलिडेशन और लगभग 4,500 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। 52 वीक लो की बात करें, 1,500 रुपए के आसपास का ये शेयर है, और यहाँ पर अगर सॉरी 1,550 का यहाँ पर 52 वीक लो 2,600 को बनाया था, और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 20% की डिलीवरी, 25 लाख शेयर यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, रिजल्ट यहाँ पर 13 तारीख को आए थे, यहाँ पर यहाँ पर देखिए डिविडेंड जब भी कोई कंपनी बढ़ते हुए मैनर में देना असेंडिंग मैनर में दे, तो यहाँ पर याद रखिएगा असेंडिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर देखिए 3, 10, 10 से 7, 7.5, 17.5 और 10 रुपए, मतलब कंपनी एक बेहतरीन डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। और दो यहाँ पर देखिए 2021 में भी 27.5 रुपए का, 2020 में लगभग 17.5 रुपए का, और यहाँ पर 2019 में 3 रुपए का। तो कंपनी ऐसी डिविडेंड देती है, तो ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में अगर आप रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए या शॉर्ट टर्म के लिए रखिए, वो पैसा बनते हैं। यहाँ पर 61% के शेयर प्रोमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। माइंडट्री को खरीदने के पीछे क्या रीजन है? तो देखिए माइंडट्री को आप कंपेयर करिए दूसरी कंपनीज के, TCS से कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए ऐसे इंफोसिस से, HCLTech, विप्रो से, तो आपको पता चलेगा कि जो इसके ग्रोथ रेट है, जो इसका रिटर्न देने का तरीका है ना, वो दूसरी कंपनी से ज्यादा है। तो इसलिए ये मुझे कंपनी ज्यादा बेहतरीन नजर आती है। कंपनी के बारे में आपको पता ही है, माइंडट्री इज एन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी एंड डिलीवर्स बिजनेस सॉल्यूशन थ्रू ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और आई थिंक माइंडट्री को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ टाइम पहले L&T ने खरीद लिया था, ऐसा कुछ हुआ था, आई एम नॉट सो अवेयर, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। तो देखिए कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q3, रेवेन्यू है 5.2% सिक्वेंशियली इन कांस्टेंट करेंसी, एबिटा मार्जिन एट 21.5%, और YTD CTC क्रॉसेस लगभग $1.2 बिलियन। तो ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है, कंपनी हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखती है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करती रहती है, और IT कंपनी जब तक कोरोना है, और कोरोना के बाद भी कंपनी को अपने आप को यहाँ पर अप जितनी छोटी छोटी कंपनीज भी है ना, दे ऑल्सो वॉन्ट टू अपग्रेड देमसेल्फ, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आई तो उस चीज को यहाँ पर डील करें, उनके बिजनेस हैम्पर ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्राइसिस और किसी भी रीजन से। तो यहाँ पर कंपनी की सर्विसेज देख लीजिए, कंपनी हर एक सेगमेंट में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, क्लाउड में एज वेल एज यहाँ पर इंटरप्राइज IT ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन में, AI में, डाटा इंटेलिजेंस में, हर चीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, डिजिटल में। यहाँ पर कंपनी के बारे में बहुत कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिएगा तो आपको आप समझ में आएगी। देखिए यहाँ माइंडट्री एक लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप कंपनी, तो लार्सन एंड टुब्रो ने इसे कुछ टाइम पहले खरीदा भी था। तो देखिए कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, कैपिटल मार्केट, एजुकेशन, इन्फोसिस्टम, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एज वेल एज रियल एस्टेट, हेल्थ, कम्युनिकेशन। तो ऐसा कौन सा सेगमेंट यहाँ पर रहेगा? कोई भी सेगमेंट में रहा तो कंपनी हर एक सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। अब यहाँ
पर देखें कंपनी के यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कहा जाता है बट फिर भी लार्ज कैप कंपनी है। 74,963 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, 50 के पी पे मिल रही है, 36 और 29% के सी आरओसी आरओई है रेस्पेक्टिवली, 11% की डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है और लगभग कंपनी यहाँ से 500 रुपए नीचे यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है, ओके बीच बीच में गिरावट होती रहती है और जब भी ऐसी गिरावट हो तो याद रखिए ये कंपनी एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है कि ऐसी यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनी में तो आपके पैसे बनेंगे। और देखिए 750 रुपए जो कि एक साल पहले ये शेयर यहाँ पर चला करता था, 750 से यहाँ पर 5,000 की डिस्टेंस यहाँ पर तय करिए, आपके पैसे को 6 गुना यहाँ पर कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी कंपनी के साथ यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो पी थोड़ा सा यहाँ पर महंगा नजर आता है बट स्टिल यहाँ पर कंपनी उसी तरीके से यहाँ पर रिटर्न देती हुई नजर आती है, कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट आपके सामने है। कंपनी का जो फिगर देखेंगे ना सेल्स, तो देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर इनके रिजल्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर देखेंगे इस बार की भी जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू नजर आती है। एक्सपेंसेस की बात करें, कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं एज इट इज 60% तक के यहाँ पर एम्प्लॉइज कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी की और कुछ चीजों की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है और यहाँ पर इस बार का जो प्रॉफिट है 438 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट है जो कि हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर में रहा है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें 215 करोड़ रुपए, यहाँ पर 2010 में इनका प्रॉफिट था, अभी की बात करें तो यहाँ पर 1497 करोड़, पिछले 12 महीने में इनका प्रॉफिट रहा है। तो यही कंपनी जो इस तरीके की ग्रोथ दिखाती है यही चल के आगे चल के शायद आपको यहाँ पर इंफोसिस टीसीएल एससीएल सॉरी टीसीएस ऐसी कंपनीज के साथ टक्कर लेती हुई नजर आ सकती है। रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, 4,846 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, कंपनी के ऊपर बोरिंग अभी थोड़ी सी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है जस्ट बिकॉज कंपनी अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड कर रही होगी। वर्किंग प्रोग्रेस में 9 करोड़, इन्वेस्टमेंट 2600 करोड़ और कैश की बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पर 470 करोड़ के आसपास का कैश है। तो कंपनी के पास बोरिंग को मत देखना क्योंकि कंपनी का इतने ज्यादा पैसे है, जब चाहेगी तब यहाँ पर अपनी बोरिंग को कम कर लेगी। एज वेल एज कैश की बात करें, कंपनी के जब भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता ही रहता है। आरओसी आरओई यहाँ पर अच्छा खासे है 36 का। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 61% की लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, याद रखना। डीआईएस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, गवर्नमेंट के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में यहाँ पर देख सकते हैं 13.57% की हिस्सेदारी है, 13.57 में भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग ने यहाँ पर कुछ हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है बागची सर ने, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स कौन है, एलएनटी यहाँ पर है, तो कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा, कंपनी काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पर आते हैं हम चार्ट पैटर्न की तरफ, अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो आपको चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है और किस तरीके से यहाँ पर चीजें यहाँ पर आपको ये शेयर आने वाले टाइम में 5,000 रुपीज का चल रहा है और अभी आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन रिजल्ट देके अच्छा खासे पैसे आपके बनाते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए 10 का फेस वैल्यू है तो कभी भी स्प्लिट की भी न्यूज आ सकती है क्योंकि जब शेयर का प्राइस इस तरीके से बढ़ जाता है तो याद रखिए ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्प्लिट मिलता हुआ नजर आता है। जब स्प्लिट बने मिलेगा तो दोबारा वॉल्यूम्स वगैरह क्रिएट होते हुए नजर आएंगे और चीजें यहाँ पर अच्छी खासी, कंपनी ऑलरेडी ऑलरेडी बेहतरीन रिटर्न्स दे चुकी है, बट रिटर्न्स देना रिटर्न तो दे ही रही है बट कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और जब तक कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो याद रखिए कंपनी आपको अच्छे रिटर्न देती रहेगी। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जहां पर ये ट्रेड कर रहा है वो भी एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक सबसे बेहतरीन रेजिस्टेंस ये नजर आता है इस पर्टिकुलर, मतलब ये शेयर अभी थोड़ा सा 200-300 रुपए टूट सकता है, ओके अगर टूटने पे आए तो, बट यहाँ से चीजें शायद यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आए और चीजें ऊपर की तरफ आपको निकलती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस चीज की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। और इसका अगर यहाँ से भी टारगेट देखे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट यहाँ से देखते हैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 10-12% का यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है जो कि इसका प्रीवियस हाई था, बट प्रीवियस हाई के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे थोड़े से हाई रिटर्न्स की। तो हाई रिटर्न की अगर बात करें, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर टाइम इस कंपनी के साथ दे सकते हैं, इनके जो यहाँ पर
सीएफओ सीईओ जो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसी तरीके की ग्रोथ 3-4 साल कंटिन्यूटी के साथ रहेगी, तो शायद ऐसी रिजल्ट ऐसे ही ग्रोथ रहेगी, और जब ऐसी ग्रोथ रहेगी तो आपके पैसे बेहतरीन बनते हुए नजर आएंगे। और 10,000 रुपए का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है, इस चीज को भी आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता है, यहाँ पर शोल्डर बन रहा है, यहाँ पर एक हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर फिर दोबारा एक शोल्डर बना के चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आएगी, और फिर जो टारगेट होगा वो इसके हिसाब से, पहला टारगेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए। और जब ये शेयर भागता है तो आपको पता ही है कि किस तरीके से भागता हुआ नजर आता है, रुकता नहीं है, फिर ये बेहतरीन रिटर्न्स देके ही यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आता है। देखिए 5,500 रुपए के आसपास का टारगेट आ रहा है, जो कि सूनर और लेटर लेटर यहाँ पर अचीव हो गई। मैंने यहाँ पर जी जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पे यहाँ पर बाइंग किया है इस पर्टिकुलर शेयर को। एज वेल एज एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो सितंबर से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन फेज में है, और लगभग कितने 6 महीने हो चुके हैं एक कंसोलिडेशन फेज को होते होते, और जब इस तरीके का कंसोलिडेशन हो जाता है शायद एक आध महीने और कंसोलिडेशन हो, इसके बाद चीजें यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी। बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिएगा, ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा और अच्छे खासे तरीके से भागता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे, ओके, जितना हो सके कोशिश करें चीजों को समझने की। चीजों को समझेंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा, फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमसे कांटेक्ट करना, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे यहाँ पर मार्केट से कमा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।